नमस्कार, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मेरा नाम है मयंक। आज हम चर्चा करेंगे नाटक कोणार्क के ऊपर, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर और जिसको 4 मार्च 2019 को श्रीराम सेंटर में वीकेंड वर्कशॉप ने खेला था। आज उसी वीकेंड वर्कशॉप के 2 सदस्य हमारे साथ हैं, पुनीत और ताहा, और साथ ही हमारे साथ नाटक की निर्देशक डॉक्टर रमा यादव भी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार मैम, नमस्कार ताहा, नमस्कार पुनीत, सभी को नमस्कार। मैम, तो मैम आज का जो हमारा नाटक जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं वो है नाटक कोणार्क। तो पहले तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप दर्शकों को थोड़ा कोणार्क के बारे में बताएं, जिन्होंने ये नाटक नहीं भी पढ़ा है उनको भी बताएं कि ये नाटक किस संदर्भ में है और इसकी जो हमने प्रोडक्शन करी उसका प्रोसेस क्या रहा। जी मयंक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भारतीय नाट्य साहित्य की जब हम बात करते हैं तो जो 50 का दशक है वो बहुत महत्वपूर्ण दशक है। उससे पहले बहुत पीछे अगर हम जाएं तो 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है और वहां से नाटक को फिर से शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और पूरा अपना एक रंगमंडल बनाते हैं। और बहुत पीछे का तो आप सब जानते ही हैं, संस्कृत में नाटक की और नाट्यशास्त्र की एक बड़ी परंपरा रही, लेकिन भारतेंदु के बाद जयशंकर प्रसाद और प्रसाद के बाद जो 1950 का जो दशक है वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ। उसमें कुछ नाटक हमारे सामने आते हैं जो आगे तक 50 और 60 के दौर के जो नाटक हैं वो आगे तक आज तक हमारे साथ हैं, जिसमें अंधायुग की बात कर सकते हैं, आषाढ़ का एक दिन की बात कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे और देखें तो लहरों के राजहंस हैं, आधे अधूरे हैं, तुगलक हैं, फिर बंगाल का पूरा अपना बादल सरकार और विजय तेंदुलकर। लेकिन ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो महत्वपूर्ण नाटक आते हैं उससे पहले 1949 और 50 में लिखा जाता है कोणार्क और 1951 में ही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है नाटक। और प्रसाद के नाटकों के बाद अगर इस नाटक को देखें तो भाषा तो इसकी कठिन है, वो छायावादी शैली, छायावादी शिल्प जिसमें कविता है और उस तरह से। और यही कारण है कि जो आज अगर हम कोणार्क की बात करें तो कोणार्क यूं तो तुगलक की भाषा भी बहुत मुश्किल है, अंधायुग की भाषा भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कोणार्क इनसे पहले का है, जरा पहले का है, तो और थोड़ा छायावादी शिल्प में रचा बसा है तो इसकी थोड़ी और कठिनता हो जाती है। लेकिन बहुत ही एक सुखद आश्चर्य की बात है कि अंधायुग तुगलक की जब मैं बात करती हूँ तो उनसे पहले मैं जिस नाटक की ओर जाऊंगी अगर एक क्रम में देखूं तो मैं कोणार्क देखूंगी। क्योंकि आप देखिए अंधायुग को देखते हैं तो वहां भी एक अस्त्र शस्त्रों की जो परंपरा है, युद्धोपरांत यह अंधायुग अवतरित हुआ जिसमें आस्थाएं और सब बिखरी हुई है। तुगलक भी देख रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं एक साथ हम देख पा रहे हैं। और इसी तरह इनसे पहले जब हम कोणार्क को देखते हैं तो एक बहुत ही विशद व्यापक विषय लेकर आते हैं जो आज भी रेलिवेंट है, शिल्पियों की समस्या, शिल्पियों का अवसाद, शिल्पियों के भीतर चलने वाला मंथन। एक से एक भारत में निपुण आपको स्थापत्य कला के उदाहरण मिल जाएंगे। सामने है वो उदाहरण हमारे कोणार्क का सूर्य मंदिर ही है और इस तरह के अनेकों उदाहरण है। भारत जाना जाता है अपनी स्थापत्य कला के लिए, लेकिन उसके पीछे एक पूरी कहानी रही है और वो कहानी है जिन शिल्पियों ने उसको बनाया उनकी कहानी। मैं आज ही सोच रही थी कि आज हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, यूट्यूब का जमाना है, इस तरह के आपातकाल में आप हमारे इंटरव्यूज ले रहे हैं, लेकिन मयंक मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी। अभी 2012 में दिनेश ठाकुर का देहांत हुआ। दिनेश ठाकुर रंगमंच की दुनिया का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण नाम, और आज मैं बैठे बैठे मैं उस नाटक का नाम तो आपको नहीं बताऊंगी, अभी मैं उस पर एक आर्टिकल लिख रही हूँ कि जहन में जब मैं विद्यार्थी हुआ करती थी, ग्रेजुएशन की छात्रा, तो हम मंडी हाउस के चक्कर लगाया करते थे उस दौर में भी, तो वो नाटक मैंने देखा बाई चांस। तब एक बच्चे के मन ने उस नाटक को देखा और
मैं आपको बताऊं कि दिनेश ठाकुर रजनीगंधा से नहीं, रजनीगंधा मैंने बाद में देखी, किसी ने मुझे कहा कि रजनीगंधा में भी तुझे देखने को मिलेंगे, लेकिन वो जो नाटक है जिस पर अभी मैं शून्य पर वो आर्टिकल अपना दूंगी कुछ समय में, तो वो जो नाटक था उस नाटक में जो अभिनेता अभिनय कर रहा था जी, वो आज तक मेरे दिलो दिमाग पर छपा है। और अगर मैं अभिनय में कुछ भी थोड़ा भी अच्छा करती हूँ तो वहां का भी एक अंश उसमें जरूर होगा। और आप देखिए कि दिनेश ठाकुर पर अगर आज हम देखने जाएं या सुनने जाएं तो उस तरह से, क्योंकि ये वाले संसाधन नहीं थे तो आप उतना नहीं जान पाओगे, यूट्यूब है आपके पास जी, बिल्कुल, और बहुत सारे साधन हैं। तो ये जो शिल्पी थे जिन्होंने इतना महीन कलाकारी के नमूने पेश किए, उनकी खुद की व्यक्तिगत जिंदगी क्या थी, उनकी खुद की जीवन की गाथा क्या थी, ये जब कोणार्क कहता है तो हृदय विदीर्ण हो उठता है और लगता है कि शिल्पी तो आज भी वहीं पर है। आज देखिए आपातकाल है, और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ दिल्ली में कठपुतली कॉलोनी है जो कि आनंद पर्वत पर है, सवेरे कठपुतली बनाते हैं और उसी से उनकी आजीविका चलती है। मैं सोच रही हूँ कि उन शिल्पियों का इस दौर में क्या हश्र हो रहा होगा, कैसे मतलब किस जीजी विश्वास में वो जीवन को आगे बढ़ा रहे होंगे। और इस आपके इसके माध्यम से मैं अनुरोध करूँ कि जहाँ भी जिस भी तरह की मदद इस समय हम कर पाए वो करें, कि हमारे शिल्पी, हमारे कामगार, हमारे मजदूर भाई सब जूझ रहे हैं। उस समय तो ये समस्या नहीं थी मेरे सामने, लेकिन जूझन उन्हीं की दिखाना उद्देश्य था जी। और मैम आज के संदर्भ में नाटक बिल्कुल ही खरा उतरता है, क्योंकि आज जो देश में हाथ से काम करने वालों की जो दशा है और जो उनकी मनस्थिति है वो इस नाटक में बहुत अच्छे से बताई गई है। और मयंक, मैं आपके माध्यम से फिर से अनुरोध करना चाहूंगी कि जो भी सुन रहे हैं वो जिस भी तरह की मदद जैसे भी पहुंचा पाए, क्योंकि शून्य भी अपने स्तर पर क्या किया जा रहा है ये बताना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि एक हाथ से दे तो दूसरे को पता ना चले, ये कार्य तो होना चाहिए साथ के साथ जी। तो ये तो बात रही नाटक की, नाटक में किस चीज के ऊपर चर्चा हो रही है, मगर मैं इसके दूसरे पार्ट पे भी आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो थिएटर से जुड़ना चाहते हैं और एक्टिंग से जुड़ना चाहते हैं। तो जब आपने नाटक उठाया तो इसकी प्रोसेस कैसी रही, और जो विद्यार्थी तब आपके साथ थे उनके साथ जुड़ के आप आगे बढ़ती रही तो आपको कैसा लगा? उन्हीं बैच में से दो विद्यार्थी हमारे निसंदेह अच्छा ही लगता है जब हम विद्यार्थियों से जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और उनको देख के कुछ नया क्रिएट करने की संभावना जागती है जो कि कोणार्क संभव ही उनके माध्यम से बना, और जो प्रोसेस था वो बहुत ही अच्छा रहा जी। तो हम ये जो कठिन नाटक आपने उठाया, मतलब हमने पहले भी ये बात करी थी कि इसकी जो लैंग्वेज थी है वो इतनी कठिन है, तो वो नए बच्चों में उतारना, उनको उसमें डुबोना, उनको पिरोना, वो कितना मुश्किल रहा या फिर आसान रहा, और बच्चों ने कैसे उस पर रिस्पॉन्स किया, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं थिएटर मेरे लिए एक उपासना है, तो उसमें मुश्किल क्या रहा वो मुझे नहीं पता होता, लेकिन हर जो प्रक्रिया है वो एक बहुत सुखद आनंद देती है। तुम ही जब कभी मंच पर जाते थे, चाहे पूजा श्वेता को देखती थी, चाहे पुनीत को देखती थी और अर्पित को देखती थी, अपने जब इन धड़ विद्यार्थियों को देखती थी तो मुझे तो इनमें बहुत शिल्पी, बहुत बड़े बड़े शिल्पी नजर आते थे जो क्या ना कर जाएंगे। और वाकई में तो बहुत इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये मूर्तियां थी और शिल्पी आप थे जो इन्हें गढ़ रहे थे उस वर्कशॉप में। नहीं नहीं नहीं, मैं मूर्ति थी और ये सब शिल्पी थे जो मुझे गढ़ रहे थे। पुनीत भी हमारे साथ है, पुनीत आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें वर्कशॉप में, कैसा लगा आपको पहले दिन और फिर धीरे धीरे आप कैसे, कौन सी एक्सरसाइज से कैसे डूबे? पहले दिन तो भैया जब हम आए थे
अब खैर वो रीडिंग करवा रही थी तो तब मतलब लगी एक अलग सोच के साथ आए थे कि मतलब पेट को सीखना है, तो मतलब जैसे उसके साथ मैम ने बताई फील एक्सरसाइज करवाई, उससे धीरे धीरे खुद में जो इम्प्रूवमेंट आया एक एक करके तो वो काफ़ी अच्छा था। और जैसे कि फील एक्सरसाइज सबसे अच्छी लगी हमें, मतलब कि अगर आप एक किरदार में घुसना चाहते हैं तो आपको उस किरदार की बारीकियाँ पहले सीखनी पड़ेंगी। अगर आप उस किरदार के साथ खेलना चाहते हैं, उसकी मतलब भाषा शैली कैसी होगी, वो किस टाइम का कैरेक्टर है, तो इस बातों पे हमने बहुत किया। मैम भी फील एक्सरसाइज के माध्यम से हमें उस दौर तक पहुंचाती थी। जैसे कि एक टाइम हमने वो समुद्र में डूबने वाला सीन किया था, तो उसमें एक अलग ही फील आया था। तो हमें पता चला कि अगर एक किरदार को खेलना है तो उसके लिए उस किरदार में डूबना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, ये तो मैम मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जितनी भी हमारी वर्कशॉप्स होती हैं उसमें जो फील एक्सरसाइजेस आप करवाते हैं, जो शायद से एक स्पेशलिटी बनती जा रही है, एक टूल बनता जा रहा है हमारा विद्यार्थियों को उस नाटक की गहराई में। अब बनता नहीं जा रहा है मयंक, वो पहले से ही एक भीतर से, जब मैं खुद भी एक विद्यार्थी थी और मैं अपने ऊपर काम करती थी तो इसी तरह की फील एक्सरसाइज मैं खुद से खुद पे करती थी जी। तो ये एक बहुत पुरानी सी, जो एक कहते हैं ना कि जो एक बच्चा मन ने जो क्रिएट की थी, ये एक वो है। और जो पुनीत ने बात कही ना कि समुद्र, और इस तरह से आप तो इसमें शामिल थे, तो जो लास्ट में जितना सब इसमें मारम मार और जो कुछ था, कोई सिनेमा तो था नहीं कि किस तरह से करेंगे, मंदिर बन चुका था, सूर्य मंदिर को ढहाना भी था, तो वहां पे जो सबने मतलब जो भी जो विद्यार्थियों का ये जो ग्रुप था, चाहे उसमें जसपाल थे विष्णु की भूमिका में, शिव थे राजीव की भूमिका में, ताहा स्वयं वहां पे नाट्याचार्य की भूमिका में थे, और आप खुद मंच पर थे मयंक, पुनीत थे, पूजा थी, तो जिस तरह से इन्होंने वो जो बॉडी लैंग्वेज जो होती है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो हम फील एक्सरसाइज के थ्रू जो बॉडी लैंग्वेज को जो डेवलप करते हैं, तो वहाँ जो बॉडी लैंग्वेज निकली वो मुश्किल तो थी, लेकिन इन लोगों ने दिया। अर्पित जिस तरह से सामने आए, ऋतिक ने जिस तरह से अपना किया, तो वो जो बॉडी लैंग्वेज इनके भीतर से ही फील एक्सरसाइजेस से निकली, वो लास्ट तभी सीन बन पाया, अन्यथा वो सीन बनता नहीं, क्योंकि वो सबसे मुश्किल सीन था और उसमें जसपाल ने भी अपनी पूरी की पूरी जान झोंक दी थी। आप मंच पर थे, आपने जान झोंकी थी, अर्पित मंच पर थे, उन्होंने जान झोंकी थी, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और ये जानते हैं कि डायरेक्टर तो तब तक पीछे पड़ा रहता है जब तक उसको वो नहीं मिल जाता जो चाहिए, और वो आप ही लोगों का आंगिक वाचिक सात्विक अभिनय है जिससे हम कोणार्क कर पाए। धर्मपद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आदित्य ने भी जिस तरह से, जो हम धर्मपद की खोज में काफी समय लगे रहे, मगर वो धीरे धीरे जो उसमें एक ज्वाला निकल के आई। मैं तो सोच रही थी कि आज धर्मपद से यहाँ पे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। और इतने सारे नामों में मैं ये कहूंगी कि वो जो एक बिल्कुल टक्कर का, जो नाट्य आचार्य को टक्कर देता है, मतलब ताहा को टक्कर देता है, जो राजीव यानी कि शिव को टक्कर देते हैं, और जो जसपाल विशु को, तो ये एक मतलब एक नया, नई प्रतिभा, नई सोच, नई अप्रोच, जैसे कि आप लोग मेरे साथ काम करते हैं, तो एक पुरानी अप्रोच के साथ जब आप लोगों की जब नई अप्रोच मिलती है, या मैं जब पुरानी पीढ़ी के साथ काम करती हूँ तो उनके साथ एक जो मेरी अप्रोच जाकर मिलती है, और इसी तरह से ये अप्रोच पुराने से जो नए में एकदम, और नए से फिर आगे वालों नए में जाती है, जो ट्रांसफर होता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी इस तरह से पुरानी पीढ़ी जो है वो नई को एक्सेप्ट करे, ये चीज भी नाटक में बहुत अच्छे से दिखाई गई है। पीढ़ियों का अंतराल पाट देता है ये नाटक, इसलिए रेलिवेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो आदित्य ने तो खैर धर्मपद की भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया, और मुझे वो संगीत याद आ रहा है
जो कोणार्क में दिया गया था, कोणार्क में संगीत आपका था शायद या उज्जवल का था? कोणार्क में संगीत मैम मेरा और उज्जवल दोनों का था, कुछ संगीत उज्जवल ने दिया और कुछ मैंने। ताहा बहुत देर से हमारे बीच में है और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला अभी तक। जी मैम, तो मैं ताहा से चाहूंगा कि वो अपना कुंती और सूर्यदेव वाला एक बार जो है बहुत ही अच्छा है वो सब एक बार बोल के बताएं। जी, ये नाटक का ये एक तरीके से सार बनता है, तो ये कुछ इस तरीके से था। कुंती और सूर्यदेव, लोग समझते हैं कुंती ने ऋषि का वरदान जांचने के लिए सूर्य भगवान का आह्वान किया। जी नहीं, क्षितिज पर सवेरे की अरुणिमा की भांति तेजस्वी सूर्यदेव का मादक स्वरूप कुंती के मानस गगन के छोर पर खिंच गया और फिर जैसे पूर्व दिशा की लालिमा मध्याह्न का जगमगाता और प्रचंड ताप बन जाती है, ठीक वैसे ही दोनों का अनुराग एक उत्तप्त और विश्वव्यापी विलास बन गया। कोणार्क की युगल मूर्तियों में वही विलास बिखरा पड़ा है, उद्याम यौवन का वेग, उत्तान श्रृंगार का उल्लास। ये बहुत ही अद्भुत डायलॉग, बहुत ही अद्भुत लाइंस लिखी हुई लेखक के थ्रू, और ये एक तरीके से पूरे पूरे नाटक का सार बता देती हैं। और जब इस डायलॉग को हम पढ़ते थे वहां पे तो बहुत ही फील समझ में आती थी कि इस पूरे नाटक की क्या है और किस तरीके से ये नाटक एक कितनी कहानियों से बनता चला जा रहा है, कितनी कहानियां अपने अंदर लेके आगे बढ़ रहा है। तो मेरा इस पे, मैं जब ये करता भी था तो मेरा एक सवाल मैम से ये उस वक्त भी होता था, मैं कभी पूछ नहीं पाया कि एक कलाकार जो है वो जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके अंदर उसकी खुद की कितनी छाप आती है। क्या वो ऐसा कभी कर सकता है कि वो खुद को एकदम अलग रखे और उससे वो सिर्फ उस किरदार को निभा पाए, या कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ अपना भी देता है उसके अंदर? ताहा, इसमें कई सारी फिलॉसफीज हो सकती है। एक एक्टर के नाते अब मेरी यात्रा भी मतलब अच्छी हो चुकी है, तो मैं कहूंगी कि अलबत्त तो अगर कोई नाटक कोई उठा रहा है, अभिनेता अगर वो अपनी चॉइस से उठा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई वो ऐसे चरित्र को उठाए जो उसे उससे अपने आप से मिलता जुलता लगता है। जैसे जब मैं आषाढ़ करती हूँ या इजाडोरा करती हूँ, तो इन चरित्रों को सालों साल मैंने सोचा है, बहुत ज्यादा सोचा है। तो जब वो कर रहे होते हैं तो उससे तटस्थ बहुत ज्यादा आप नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन चरित्रों के साथ बहुत लंबा जी रहे होते हैं और वो आपका हिस्सा बन चुके होते हैं। लेकिन इसके विपरीत हो सकता है कि कोई निर्देशक मुझे किसी चरित्र के लिए चुने, अचानक से वो चरित्र मुझे मिले, तब मैं अलग होंगी और वो चरित्र, उस चरित्र की यात्रा अलग होगी। तो मैं अपने आप को अलग करके, प्रोसेस फिर भी वही रहेगा, मैं उस चरित्र की जर्नी को जीऊंगी, उस यात्रा को मैं खुद जीऊंगी कि अगर वो मैं होती तो क्या होता, ये तो होगा ही। और फिर वो कब मैं चरित्र, तो मैं उसे तभी कर पाऊंगी जब वो चरित्र मेरा अपना बन जाएगा। तो ये एक मुझे लगता है बहुत क्षीण सी रेखा रह जाती है जहां हम में और इस चरित्र में अंतर रह जाता है, वो रहना भी चाहिए। उतना प्रैक्टिकल अप्रोच जो है एक अभिनेता को रखनी चाहिए, बाकी उसको आत्मसात तो एक अभिनेता बहुत 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 अंतर से करता है। कहीं हमने तो देखा, आपने किया, जसपाल ने किया, कितना भीतर आप लोग उतरे तभी मंच पे जाते ही तो वो जादू सा ही हो जाता है। ताहा तो कहीं और रह जाते होंगे, वो तो नाट्य आचार्य ही थे, नहीं? जी। अब वो कब ताहा बैक स्टेज में रह जाते हैं और मंच पे सिर्फ नाट्य आचार्य आते हैं, ये मंच ही जानता है और यही मंच का जादू है और यही मंच हमें देता है और यही हमारी पूजा है। ये कैसे होता है? अभ्यास से तो होता है। इसी जादू को करने के लिए हम मतलब वो एकदम, हाँ।
मम्मी एक डायलॉग और है धनपत का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में कुछ अपने विचार रखें। जीवन के आदि और उत्कर्ष के बीच एक और सीढ़ी है, जीवन का पुरुषार्थ। अपराध क्षमा हो आचार्य, आपकी कला उस पुरुषार्थ को भूल गई है। जब मैं इन मूर्तियों में बंधे रसिक जोड़ों को देखता हूं तो मुझे याद आती है पसीने में नहाते हुए किसान की, कोसों तक धारा के विरुद्ध नौका को खेने वाले मल्लाह की, दिन दिन भर कुल्हाड़ी लेकर घटने वाले लक्कड़हारे की। इनके बिना जीवन अधूरा है आचार्य। ये धर्मपद की लाइन है, मैं जाऊंगा आप इस पे कुछ अपने विचार। एक विजन को लेकर जगदीश चंद्र माथुर चले और उनका जो प्रोग्रेसिव जो दृष्टिकोण था वो धर्मपद में पूरी तरह से रूपायित होकर आ रहा है। जहाँ एक और हम श्रृंगार की बात कर रहे हैं, उद्यम श्रृंगार की बात कर रहे हैं, पुरुष और स्त्री के आकर्षण की बात कर रहे हैं, कुंती का सूर्य देव के प्रति जो एक आकर्षण रहा होगा उसकी बात कर रहे हैं और वो चित्र खींच रहे हैं। धर्मपद का सीधा क्वेश्चन है कि क्या आज विश्राम का समय है। और यहाँ मैं आपको एक बात कहूँ कि जो आज हम थिएटर के भी आपातकाल की बात कर रहे हैं और आज बाहर जिन विपरीत परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस पूरे विश्व पर एक तरह का हमला बोल चुका है, तो क्या आज कला की बात की जानी चाहिए? ये लगभग कुछ ऐसा सा है। धर्मपद अपनी बात कह रहे हैं क्योंकि वो युवा है। और ये प्रश्न मुझे ताहा, पुनीत, मयंक, ये प्रश्न मुझे भी मथता है कि हम शून्य पर लगातार थिएटर की बात कर रहे हैं, लगातार अपनी कुछ थिएटर से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं, क्या इस आपातकाल में हमें ऐसा करना चाहिए? जी। तो वहां भी शिल्पियों पर एक आपातकाल है, तो धर्मपद का सवाल है कि क्या ऐसा होना चाहिए? धर्मपद अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब इतना आपातकाल हो तो प्राण देने के लिए, थोड़ा सा विश्रांति देने के लिए, जहाँ हर समय समाचार पर हम जाते हैं तो एकदम एकदम ऐसा लग जाता है कि समय अभिशप्त हो गया है, उससे त्राण के लिए, उससे विश्राम के लिए ये भी जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो वो जो हम जूझ रहे हैं वहां कैसे जूझे? तो कुछ करते हैं इसलिए वहां भी कुछ करने की हिम्मत आती है, हिम्मत रखते हैं। तो धर्मपद का सवाल अपनी जगह ठीक है, लेकिन शिल्पी तो शिल्पी है, उसके जीवन के कष्ट वो तो नहीं जा सकते, लेकिन वो जो एक श्रृंगार की मूर्तियां जो बना रहा है या जो भी है, वो कहीं ना कहीं उस रस से सिंचित तो हो रहा है जो जीवन का रस है। और शायद बाद में जो सब शिल्पी इस तरह से भिड़ते हैं, पूरी सत्ता को पलट कर रंग देते हैं, वो इसीलिए कि उनके भीतर एक कलाकार का मन था और कलाकार का मन जितना ऊर्जस्वित और जितना पुलकित होता है और कलाकार का मन जिस एनर्जी से भरा होता है, वो कब क्या कर दे, कब क्या पलट दे, वो पता नहीं चलता है। तो धर्मपद अपनी जगह ठीक है, लेकिन विश्व भी अपनी जगह ठीक है। और मुझे लगता है कि दोनों के मेल से, जैसे आज आपातकाल है तो हम सिर्फ अगर वही बात करें तो उससे भी कुछ नहीं होगा, और सिर्फ यही बात करें तो इससे भी कुछ नहीं होगा। जो जिस चीज से हमें भिड़ना है, उस भिड़ने के लिए भी हमें अपने आप को थोड़ा सा तरोताजा तो करना पड़ेगा, और शायद हम इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा तरोताजा कर रहे हैं। जी मैम, आपने काफी मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इस समय में, समय क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल समय है हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए और पूरी मानव जाति के लिए, एक बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है, और उसमें एक कलाकार का क्या भागीदारी बनती है उस पे हम सब कलाकारों को जरूर सोचना चाहिए और सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कलाकार शांत बैठा है या वो इस तरह की रिकॉर्डिंग्स कर रहा है या थिएटर से जुड़ी हुई कुछ चीजें लिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे फ्रंट पर कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि
जैसे कि यहाँ से एनर्जी लेकर और यहाँ से वो दे भी रहा है अपने लिसनर्स, अपने जो श्रोत, जो दर्शक आते रहे हैं, जो अब लिसनर्स में तब्दील हो रहे हैं या कुछ पोस्ट पढ़ने वालों में तब्दील हो रहे हैं, कुछ ना कुछ शक्ति लेते होंगे। और हर संवेदनशील प्राणी, कलाकार तो बहुत संवेदनशील होता है, उस तरफ जितना वो कर पा रहा होगा अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार वो कर रहा होगा। लेकिन इस आपातकाल में भी अगर हम इस तरह का बर्ताव छोड़ देंगे तो फिर जीने की जो ऊर्जा एक भीतर होनी चाहिए वो मंद पड़ जाएगी। उसको भी हमें जागृत रखना है और उसके लिए ये सब भी बहुत जरूरी है। जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैम ये हमारा कलाकार का मन है जो हमें अभी इस तरफ मेहनत करने के लिए बार बार कहता है कि मेहनत करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस प्रयास से अगर कोई व्यक्ति कोणार्क के बारे में जाने और कोणार्क में शिल्पियों की व्यथा, तो शायद वो जो अभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके प्रति भी थोड़ा सेंसिटिव हो। बहुत प्रासंगिक है। आज हम अपने कामगारों की बात करें, आज हमारे मजदूर जो हैं हम उनके बारे में चिंता करें, हमारे किसान जो हैं वो शिल्पी ही तो हैं। आज सबसे ज्यादा एक बुरा वक्त जो है उन पर आया हुआ है, तो जगदीश चंद्र माथुर का ये जो नाटक है और भी ज्यादा सार्थक हो जाता है। तो मैं अब मैं थोड़ा सा कुछ सवाल आपसे ऐसे पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा मतलब जो ग्रुप के बच्चे अभी इसको सुनेंगे उनके बारे में कुछ आप कुछ कुछ बताना चाहें। जैसे पहला शब्द जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है महाशिल्पी विशु, जिसको जसपाल ने निभाया, उसके बारे में कुछ दो लाइनें आप पहले ही बोल चुकी हूँ कि बहुत ही उन्होंने अपना उम्दा तरीके से, बहुत ही कर्मठता से, बहुत ही अनुशासन के साथ लगातार आकर, और विष्णु उनके अलावा कोई नहीं कर सकता था, जसपाल ही कर सकते थे। आज भी अगर मैं दोबारा कोणार्क करना चाहूंगी तो विष्णु मेरे नजर में वही आते हैं, क्योंकि एकदम कॉस्ट्यूम में आना, एकदम अपने लक्ष्य की ओर उनकी नजर होती थी और फुल एनर्जी के साथ। और थिएटर यही मांगता है, अनुशासन मांगता है, पूरी एनर्जी, समर्पण, वो उनमें पूरा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इस ग्रुप में मैम ये मेरे को फील हुआ कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे सब, और सबके सब समझदार थे। शिव जैसे बहुत समझदार और मतलब हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आदित्य जो पूरी कमिटमेंट के साथ, ताहा, पुनीत ने जिस प्रकार लास्ट में आके जिस तरह से अपना लास्ट का डायलॉग उठाया था, मतलब मैं काम और मैं जानना चाहती हूँ कि लास्ट में वो कौन, अक्षय रहे जी, उन्हें अक्षय साहिल ने काफी लास्ट में उठाया। बिल्कुल बिल्कुल टिके रहे शुरू से आखिर तक, और इनसे ये प्रेरणा मिलती है कि अभिनेता कोई भी हो सकता है, अभिनय कोई मुश्किल विधा नहीं है, बस उसके लिए टिके रहना, मेहनत करना और अनुशासन में रहना सबसे बड़ी मांग है। बिल्कुल। हमारी तो पुनीत मंच पर नहीं आ पाई, कशिश रही जो मंच पर नहीं आ पाई, कुछ ऐसी चीजें हो गई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वो दर्शकों में बैठ के उन्होंने उत्साह बढ़ाया वो बहुत बढ़िया। पूजा ने जिस तरह से अनुशासन का और कर्मठता का परिचय दिया वो बहुत बड़ी बात है। जी तो पुनीत मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लास्ट का डायलॉग था, जब कुछ एक दो दिन में कुछ ऐसा चेंज एकदम से आया कि तुमने एकदम लास्ट का डायलॉग इतनी पावरफुल और इतनी एनर्जी से बोलना शुरू किया कि मतलब मैं तो कांप गया था बाहर बैठ के देख के, तो क्या एकदम क्या जज्बा आया कि अब मेरे को बहुत अच्छे से बोलना है? एक्चुअली जब उससे पहले वो डायलॉग एक बार उन्होंने मतलब मैंने मुझे ट्राई किया था, तब मैंने इतना अच्छा नहीं बोल गया था, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा और मतलब पूरे पेज का एक पेज का पूरा डायलॉग था, तो पहले तो मुझे डर लग रहा था कि इसे याद कैसे करना पड़ेगा। तो हमने सुबह ही छत पर लाइन से उसको मतलब तैयार किया, इस वाली लाइन पे यहाँ स्टॉप लेना है, यहाँ आवाज को बढ़ाना है, तो इस बारे में हमने जैसे कि स्टार्टिंग हम तेज वॉइस के साथ करते हैं, वही जहाँ सागर तटवर्ती लहरों को छेद, तो ये मतलब कि हमने देखा कि मतलब किस लाइन को उठाना है, किस लाइन पे थोड़ा सा फोकस करना है, और मतलब कि डायलॉग भी बहुत लंबा है, अगर इसको सही से किंग करेंगे तो मतलब तीसरे सीन को बहुत अच्छे तरह से उठा सकते हैं पूरा ये डायलॉग।
उसी की तरह हमने इसको तैयार किया था पूरे टाइम लगा के। बिल्कुल, और सच में वो लास्ट में एकदम हिला देता है वो डायलॉग। बहुत लंबे समय तक लगातार सतत जो प्रयत्न जो मेहनत पुनीत ने की वो अंततः बाहर आई, क्योंकि एक संकोच भी होता है, उस संकोच से भी उभरना होता है नए विद्यार्थियों को, और अंततः तो ये आ गया कि करो या मरो, तो लगा कि कर ही दे, मरने से तो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और मैं तो बिल्कुल हिल गया था जिस दिन इसने पूरी एनर्जी के साथ बोला। और ताहम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये सौम्य श्री का कैरेक्टर आपको मिला, जो एक नाट्य आचार्य हैं और बहुत अच्छे से नृत्य जानते हैं, तो आपके मन में क्या बड़ी सी मची कि मैं कैसे करूँगा, ऐसा कुछ लगा कि डांस मेरे से कैसे होगा? बहुत अच्छा नृत्य करते थे ये जरूर कहूंगी मैं, और मैं सोचती थी वाह कमाल। ये तो बिल्कुल, ये तो मैं कुणार का ही एक लाइन बोलूंगा उसमें, धर्मपद की लाइन है कि आपकी आंखों का कमाल है जो आपको मेरा नृत्य इतना अच्छा लगा। लेकिन जब पहली बार मैम ने मुझे चुना और ये रोल दिया करने के लिए, तो ये समझिए कि मुझे पूरा यकीन था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक निर्देशक को पता होता है कि कौन क्या कर पाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे अंदर से वो निकाला जो मैं खुद भी नहीं जानता था अपने बारे में। और मेरे नृत्य में आपको कमाल ही बताऊं कि मैं बारातों में भी नहीं डांस कर सकता था, मैं इस आपका खराब नृत्य करने वाला था। लेकिन बिल्कुल मार्गदर्शन, और जैसा अभी मैं आपने पहले ही बोला, प्रैक्टिस के साथ अगर आप करें तो अभिनेता हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत होता ही है, तो वो मैं अब कहना चाहूंगी कि शून्य के पास दो अच्छे, और नहीं शून्य के पास और भी हैं, लेकिन एक अरबाज ताहा और पूर्णेंदु। जी मैम बिल्कुल, ये इस तरह के शून्य की अपनी एक एसेट हैं जिन्हें हम जब चाहें आगे ला सकते हैं बहुत ही अच्छे, और उसी नजाकत से जो नाट्य आचार्य सौम्य श्री में होनी चाहिए। जब आप मंच पर आते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि सौम्य श्री तात सौम्य श्री, जब मुझे कहने की इच्छा होती है तो और बहुत सो को इच्छा हुई होगी। बिल्कुल, और मैं तो वेट करता था कि जब ये आएंगे, तो जैसे ही आते थे तो मेरे को भी डांस करना शुरू करना होता था, तो मुझे उसका वेट रहता था कि अब ताहा आएंगे और मैं भी डांस करूंगा। और आपने मयंक मौन रहकर जिस तरह से आप सपोर्ट करते हैं मंच को, वो मैं आपकी तारीफ करूंगी कि वो बहुत ही, और आपने लगभग कई प्रोडक्शंस में हमारी मौन रहकर मंच को जो ऊर्जा दी है वो काबिले तारीफ है। थैंक यू मैम, और शायद से ये आपकी टीचिंग्स में ही है कि इतने सारे स्टूडेंट्स मतलब हमारे साथ जुड़े हैं और वो सब इतने शांति से कंट्रीब्यूशन देते हैं, उज्जवल अजय सब इतनी मेहनत से जुड़े हुए हैं, मतलब कि बहुत ही देखने को कम मिलता है, विरल है जिस तरह के हमसे जो जुड़ाव है शून्य से, चाहे वो श्वेता हो, अजय हो, सुरजीत हो, उज्जवल हो, आदित्य हो, और नए मोइन हो, सागर हो, सभी शिव, अब कोई नाम रह जाए तो क्षमा करें, अमित है, बहुत अच्छी एक फील आती है। ये एक सवाल है मैम आपके लिए आया है, तो ये मैं सवाल आपको सुनाना चाहूंगा, आप सुने और इसका जवाब दें। नमस्कार मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप लोगों का ये वार्तालाप चला इसको सुनकर मुझको बहुत अच्छा लगा, कई पुरानी यादें ताज़ा हुई, तो उसके लिए धन्यवाद। और मैम मेरा आपसे जो प्रश्न है वो ये है कि कई बार हम एक नाटक की प्रिपरेशन करते हैं एक महीना दो महीना, फिर जिस दिन फाइनल शो का दिन होता है उस दिन हम लाइटिंग के हिसाब से और जिस मंच पर हमें परफॉर्म करना है उस मंच के हिसाब से जो हमारी असल ब्लॉकिंग थी उससे जो अब ब्लॉकिंग रह जाती है वो उनमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक एक्टर को किन अहम पक्षों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसी परिस्थिति में भी अच्छा कर सके और जो उसके अभिनय में जो असल एक क्वालिटी थी, जो असल एक मैसेज था वो बरकरार रहे। आदित्य की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले तो बहुत ही मुझे भी, हाँ, बहुत ही उस कोनार के उसमें चले गए फील में ना।
हाँ यूं भी बहुत करीब। और मैं ये कहना चाहूंगी कि शुरू में मयंक मैं आपको भी यहाँ जोड़ूंगी कि शुरू में आपको भी था कि मंच पर रिहर्सल्स जरूरी हैं जिस मंच पर हमें करना है, लेकिन वो उसके लिए एक उत्सुकता जो है मुझे लगता है नहीं रखनी चाहिए, और धीरे धीरे हम इस चीज के आदि हो जाते हैं कि हम उस मंच पर रिहर्स करें या ना करें, हम कहीं भी रिहर्सल कर रहे हैं अगर हमने पूरे मन से रिहर्सल की है और अब हम पारंगत हैं, और मैं अब आप बहुत अनुभवी हो चुके हैं तो अब आपको पता होगा कि जब हम कहीं भी रिहर्सल कर रहे हैं तो हम किसी भी मंच के लिए तैयार हैं, और वो सिर्फ 10 मिनट का काम होता है, उसमें अभिनेताओं को कुछ नहीं करना होता, यही निर्देशक का काम होता है। वहां अभिनेताओं को सिर्फ उस नए मंच पर चलकर देखना होता है, और बाहर से निर्देशक जो निर्देशन दे रहा होता है उसको बहुत ही तल्लीनता से सुनना होता है, और उस समय अपने आप को भूल जाना होता है, उस समय पूरी की पूरी तरह निर्देशक के ऊपर छोड़ देना होता है, और इसीलिए ग्रैंड रिहर्सल होती है जो उसी दिन होती है। जरूरी नहीं है कि हम उस मंच पर एक दिन पहले जा पाए जिस पर हमको अभिनय करना है, या उसकी सुबह भी जा पाए, हो सकता है कि जिस समय हमारा नाटक शुरू हो उससे 4 घंटे पहले ही हमें वो स्थिति मिले। तो इसलिए यहाँ एक अच्छा अभिनेता पूरी तरह से अपने आप को निर्देशक को सौंप देता है, और वो जो निर्देशक किए उस समय आते हैं वो ही आपको उस मंच पर एकदम काबिज कर देते हैं, और फिर आपको निर्देशक की जरूरत नहीं रह जाती, वो सिर्फ लास्ट जो ग्रैंड रिहर्सल है उसका कमाल। जी मैम बिल्कुल, ये सीख मैंने भी धीरे धीरे सीखी है, और आप बिल्कुल। अब तो ये है कि मान लीजिए कि आज हमारा एक नाटक तैयार है आषाढ़, और कल हमें उसे बिल्कुल नए मंच पर करना है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सारे अभिनेता तैयार हैं, लेकिन फिर यहाँ आपको 10 मिनट निर्देशक को देने होंगे, और 10 मिनट निर्देशक जो कहे उसको सुनना होगा, ये एक आपसी तालमेल जरूर होना चाहिए। मंच अंततः अभिनेता का है, लेकिन अभिनेता से पहले वो निर्देशक का है, क्योंकि उसका एक विजन होता है, उसको लाइट्स में, उसको नए सेट में, नए स्थान पर उसको देख थोड़ा सा समय लगता है, और वो समय आपको आपके जो भी निर्देशक उनको देना ही चाहिए। बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक निचोड़ बताया है हमने ना, कई जगह चुप्पियां जरूरी होती है, और जो चुप्पी से क्रिएट होता है, मौन से जो चीज निकल कर आती है, बहुत ही सुंदर है। यही जवाब है मेरा आदित्य के लिए। मैम ये एक और सवाल है आपके लिए, मैं चाहूंगा आप ये भी सुने और बताएं। नमस्ते मैम, मैं जसपाल सभी श्रोताओं की ओर से आपका और मयंक का धन्यवाद करना चाहूँगा कि शून्य थिएटर ग्रुप लोगों तक थिएटर ले जाने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, चाहे वो कविताओं के माध्यम से हो या इंटरव्यू के माध्यम से। क्योंकि आज हम कोणार्क की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कोणार्क को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं, क्या इस नाटक को देख कर या पढ़ कर आज के युग में महसूस किया जा सकता है, या कोई सीख कहीं पर प्रयोग की जा सकती है, धन्यवाद। नमस्कार जसपाल, बिल्कुल ये तो मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर इसका जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि जिस समय कोणार्क की रिहर्सल्स चल रही थी, अभ्यास चल रहे थे, तो दिन रात इस विषय पर भी बात हो रही थी कि क्या जो कोणार्क है वो आज प्रासंगिक है या नहीं। कोणार्क जब हमने किया 1 साल पहले तब प्रासंगिक था, क्योंकि तब भी हमारा देश तो शिल्पियों का देश है, किसानों का देश है, मजदूर यहाँ पर जिस तरह से मेहनत करते हैं, मतलब मजूरी जिसको कहते हैं ना, वो हम लोग करते हैं हिंदुस्तान में, तो और आज जब देख रहे हैं इस तरह का जो कोरोना वायरस से जो पूरा विश्व जो जूझ रहा है, और उस समय जो कामगार हमारे हैं, और आज भी आप देखिए
वो जो गेट पर खड़े हुए भैया हैं या और इस तरह के कामों में जो लगे हुए हैं वो आज भी लगे हुए हैं, आज भी आपको मेहनत करते हुए लोग मिल जाएंगे, आज भी वही लोग जूझ रहे हैं जो एक तबका तो है जो अब भाई हम लोग कर रहे हैं घर से बैठकर कर रहे हैं, कोई मदद कर रहे हैं घर से बैठकर कर रहे हैं, लेकिन एक वो तबका जो आज भी आगे आकर जूझ रहा है अगर डॉक्टर्स को और उनको हटा दें, जो पुलिस वाले हैं वो तो अपनी जगह कर ही रहे हैं, लेकिन और जो गार्ड्स हैं वो जिस तरह से आगे आकर आज भी हम सबको सुरक्षित रखे हुए हैं गलियों में मोहल्लों में, वो आज भी सनद हैं अपनी ड्यूटी पर जब हम निकले किसी वजह से अगर आपातकाल में थोड़ा सा उतरना पड़े तो हम देखेंगे कि वो अपनी जगह सनद है। तो रेलिवेंट तो है, आज भी किसान ही हमको अन्न पहुंचा रहे हैं। तो ये नाटक तो बिल्कुल मुझे लगता है कि प्रासंगिक है हर हाल में। तो इसलिए भाषा की दुर्बलता को एक तरफ करते हुए ये नाटक लगातार देते रहना चाहिए। मुझे लगता है हर अच्छे अभिनेता निर्देशकों का ध्यान जो है इस पर जाना चाहिए। और शून्य जो है वो मुश्किल नाटकों पर काम करता है और नाटक दीवारें हटाने का काम करते हैं। तो जो भी हमारे लिसनर हैं वो शून्य के हों या बाहर से कहीं के हों, डिस्कशंस के लिए हमेशा स्वागत है। किसी भी टेक्स्ट पर, किसी भी समय, किसी भी पंक्ति पर हम सब मौजूद हैं वार्तालाप के लिए आप सबसे। तो वही मैम, कुछ मेरे आप कुछ कहना चाहते हो या ताहा कुछ कहना चाहते हो, जो हम ऐसे तो काफी चीजें जो हमसे छूट गई, मगर जो भी आपके मन में हो या फिर जो नया प्रयास शून्य कर रहा है कविताओं के माध्यम से उसके बारे में कुछ आप कुछ भी जो कहना चाहते हो। तो प्रयास कर ही रहे हैं हम कविताओं के माध्यम से, इस तरह के डिस्कशंस के माध्यम से, लेकिन मैं बस ये कहूंगी कि हमें अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखना चाहिए और इस पीढ़ी के पास जो आगे देना चाहिए और इसी दृष्टि से हमारा थिएटर जो है रवा होता रहे और उसमें एक रवानगी बनी रहे। मैं अपनी बात का समापन इन शब्दों से करना चाहूंगी। बिल्कुल, साथ ही मैं बस साथ में ये जोड़ूंगा कि मैं अपनी ओर से और पूरे कोणार्क टीम की ओर से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों की एक तरीके से सोच बदली और व्यक्तिगत तौर पर खूब सारी बदलाव हमारे अंदर लाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, ताहा, पुनीत, जसपाल, आदित्य, मयंक जो जुड़े, और धन्यवाद के साथ सभी का नमस्कार।